नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SSC एग्जाम प्रिपरेशन पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारे, जिससे कि दोस्तों आपको ये पता होगा कि प्रत्येक परीक्षा में हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन इनसे जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आज हम एक वीडियो में हरियाणा के सारे प्रमुख गुरुद्वारे पढ़ने जा रहे हैं, जिससे कि आप एक नंबर अपना पकड़ कर सकें। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो स्टार्ट आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों कपाल मोचन गुरुद्वारा, कौन सा दोस्तों कपाल मोचन गुरुद्वारा है? कपाल मोचन गुरुद्वारा कपाल मोचन गुरुद्वारा कपाल मोचन गुरुद्वारा दोस्तों आपका हिमाचल जिले में स्थित है। कपाल मोचन गुरुद्वारा दोस्तों यमुना नगर। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों अम्बाला जिले की तरफ। दोस्तों आगे है दोस्तों मांझी साहिब गुरुद्वारा, मांझी साहिब गुरुद्वारा, ये है दोस्तों आपका अम्बाला। दोस्तों यहाँ पर कई बच्चों का कंफ्यूजन रहता है दोस्तों, ये मांझी साहिब गुरुद्वारा दोस्तों कई जिलों के अंदर है दोस्तों, जैसे कि आप पढ़ने जाने जैसे कि दोस्तों मांझी साहिब के पास है दोस्तों श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा, कौन सा है दोस्तों? ये दोस्तों श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा, श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा, श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा है दोस्तों आपका कैथल जिले के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? यह है दोस्तों कैथल जिले में। इसके बाद आता है दोस्तों गुरुद्वारा मांझी साहिब, उसके बाद दोस्तों गुरुद्वारा मांझी साहिब, ये रहेगा दोस्तों हमारा रोहतक जिले में। दोस्तों ये तीनों एक जैसे गुरुद्वारे हैं, लेकिन इनको पढ़ने में याद करने में दोस्तों काफी परेशानी होती है। देखो दोस्तों अब इनको याद करना आपको कैसा है दोस्तों, इसमें देखो दोस्तों सबसे पहले मांझी साहिब गुरुद्वारा यानी कि अम्बाला, अम्बाला में दोस्तों हमें समझदारी है आम की, यानी क्या कहेगा दोस्तों कह रहे हैं मांझी अम्बा लुहा, यानी मांझी आम लुहा। आप इसे जिक्र कर कैसे याद कर सकते दोस्तों, मांझी अम्बा लुहा, मांझी आम लुहा। उसके बाद दोस्तों श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा, श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा रहेगा दोस्तों कैथल में। उसके बाद दोस्तों गुरुद्वारा मांझी साहिब, ये रहेगा दोस्तों रोहतक में। इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? इसको याद ऐसे करेंगे दोस्तों गुरुद्वारा में क्या रहना, सबसे पहले गुरु, गुरु हमें क्या नहीं करने देते, रोने नहीं देते, इससे याद कर लेंगे दोस्तों गुरुद्वारा मांझी साहिब हो जाएगा दोस्तों रोहतक जिले में। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों सूर्यकुंड गुरुद्वारा, सूर्यकुंड गुरुद्वारा है दोस्तों हमारा अम्बाला जिले में, सूर्यकुंड गुरुद्वारा, सूर्यकुंड गुरुद्वारा रहेगा दोस्तों हमारा अम्बाला जिले में। कहाँ पर रहेगा दोस्तों? अम्बाला। देखो दोस्तों गुरुद्वारा पढ़ते दोस्तों कपाल मोचन गुरुद्वारा है दोस्तों हमारा बिलासपुर यमुना नगर, मांझी साहिब गुरुद्वारा है अम्बाला, और श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा है दोस्तों कैथल जिले में। उसके बाद दोस्तों गुरुद्वारा मांझी साहिब है रोहतक में। उसके बाद दोस्तों सूर्यकुंड गुरुद्वारा है दोस्तों हमारा अम्बाला जिले में। उसके बाद आगे आता है दोस्तों सतपुड़ा गुरुद्वारा, उसके बाद दोस्तों सतपुड़ा गुरुद्वारा, सतपुड़ा गुरुद्वारा, ये रहेगा दोस्तों आपका यमुना नगर में। कहाँ पे रहेगा दोस्तों? ये रहेगा दोस्तों आपका यमुना नगर में। इसके बाद है दोस्तों हमारा बंगला साहिब गुरुद्वारा, बंगला साहिब गुरुद्वारा, बंगला साहिब, बंगला साहिब गुरुद्वारा, बंगला साहिब गुरुद्वारा,
ये रहेगा दोस्तों हमारा रोहतक जिले में, मंगला साहिबपुर द्वारा कहाँ रहेगा दोस्तों, ये रहेगा दोस्तों रोहतक जिले में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों नीम साहिब गुरुद्वारा। कौन सा दोस्तों? नीम साहिब गुरुद्वारा, नीम साहिब गुरुद्वारा हमारा कहाँ पे रहेगा दोस्तों? नीम साहिब गुरुद्वारा रहेगा दोस्तों हमारा कैथल जिले में। नीम साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे रहेगा दोस्तों? ये रहेगा दोस्तों कैथल जिले में। इसके बाद आता है दोस्तों जिला साहिब गुरुद्वारा, जिला साहिब, जिला साहिब गुरुद्वारा, जिला साहिब गुरुद्वारा हमारा दोस्तों रहेगा सिरसा जिले में। कौन से जिले में रहेगा दोस्तों? ये रहेगा हमारा सिरसा जिले में। इसके बाद एक बार देखा दोस्तों सतपुड़ा गुरुद्वारा है दोस्तों हमारा यमुनानगर जिले में। उसके बाद है दोस्तों बंगला साहिब गुरुद्वारा, बंगला साहिब गुरुद्वारा है दोस्तों रोहतक जिले में। रोहतक जिले के बाद आगे आता है दोस्तों नीम साहिब गुरुद्वारा, ये रहेगा दोस्तों हमारा कैथल जिले में। उसके बाद है दोस्तों जिला साहिब गुरुद्वारा जो कि आपका सिरसा जिले के अंदर रहेगा। कपाल मोहतन गुरुद्वारा दोस्तों आपका यमुनानगर के अंदर है। उसके बाद दोस्तों मांझी साहिब गुरुद्वारा, मांझी साहिब है दोस्तों आपका अम्बाड़ा, और श्री मंझी साहिब गुरुद्वारा दोस्तों कैथल जिले के अंतर्गत दोस्तों। उसके बाद दोस्तों गुरुद्वारा मंझी साहिब रोहतक, और सूर्यकुंड गुरुद्वारा है दोस्तों हमारा अम्बाड़ा। दोस्तों गुरुद्वारा का शहर कैथल जिले को कहा जाता है, और कैथल जिले को हनुमान जी की जन्म स्थली भी माना गया है, और इसे वानर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा गमतान साहिब गुरुद्वारा, गमतान साहिब गुरुद्वारा है दोस्तों हमारा जींद जिले के अंदर। गमतान साहिब गुरुद्वारा ये रहेगा दोस्तों जींद के अंदर। इसके बाद आगे आता है दोस्तों गुरुद्वारा छठी पातशाही, छठी पातशाही गुरुद्वारा, छठी पातशाही, छठी पातशाही गुरुद्वारा है हमारा दोस्तों कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत। गुरुद्वारा छठी पातशाही है दोस्तों हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद आगे आता है दोस्तों नवी पातशाही गुरुद्वारा, नवी पातशाही गुरुद्वारा ये भी हमारा कहाँ पे रहेगा दोस्तों? ये भी हमारा कुरुक्षेत्र जिले के अंदर ही रहेगा। गुरुद्वारा नवी पातशाही ये भी है दोस्तों हमारा कुरुक्षेत्र जिले के ही अंदर। उसके बाद आगे आता है दोस्तों गुरुद्वारा लखनऊ, लखनऊ गुरुद्वारा, लखनऊ ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। लखनऊ गुरुद्वारा ये रहेगा दोस्तों हमारा अम्बाड़ा जिले के अंदर। लखनऊ गुरुद्वारा कहाँ पे है दोस्तों? ये है दोस्तों अम्बाड़ा में। उसके बाद आगे आता है दोस्तों हमारा लखन माजरा गुरुद्वारा, लखन माजरा, लखन माजरा, लखन माजरा गुरुद्वारा ये रहेगा हमारा दोस्तों रोहतक जिले के अंदर। दोस्तों ये गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर सिंह से संबंधित है। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर सिंह ने एक रात के लिए समय बिताया था, तो ये भी दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। इसके बाद आगे आता है दोस्तों बांगला साहिब गुरुद्वारा, बांगला साहिब गुरुद्वारा, बांगला साहिब गुरुद्वारा ये भी हमारा दोस्तों रोहतक जिले के ही अंदर रहेगा। इसके बाद आगे आता है दोस्तों गुरुद्वारा गुरु दशमेश साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा गुरु दशमेश, गुरुद्वारा गुरु दशमेश, गुरुद्वारा गुरु दशमेश साहिब गुरुद्वारा ये रहेगा दोस्तों हमारा नारनौल जिला मेंढरगढ़ के अंदर। कहाँ पे रहेगा दोस्तों? ये रहेगा दोस्तों नारनौल, नारनौल कहाँ पे दोस्तों? नारनौल है दोस्तों मेंढरगढ़ में। नारनौल का पुराना नाम क्या था दोस्तों? नारनौल का पुराना नाम था दोस्तों नर राष्ट्र, नर राष्ट्र। उसके बाद आगे आता है दोस्तों चोर मार साहिदा गुरुद्वारा, चोर मार, चोर
मार शहीदा गुरु द्वारा और मार शहीदा गुरु द्वारा ये रहेगा दोस्तों हमारा सिरसा जिले के अंतर्गत ये गुरुद्वारा दोस्तों जो अपना जो ये ऋषि वगैरह होते हैं जो साधु संत होते हैं वे लोगों को अच्छाई का मार्ग दिखाते हैं, इसलिए ये गुरुद्वारा है दोस्तों चोर मार्ग गुरुद्वारा सिरसा जिले के अंतर्गत रहेगा। उसके बाद आता है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों प्रत्येक परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, ये है दोस्तों नाडा साहिब गुरुद्वारा। नाडा साहिब गुरुद्वारा ये कहाँ पे रहेगा दोस्तों, ये हमारा रहेगा दोस्तों पंचकुला में। नाडा साहिब गुरुद्वारा ये कहाँ पे रहेगा दोस्तों, ये रहेगा दोस्तों हमारा पंचकुला पंचकुला। तो ये थे दोस्तों हमारे प्रमुख गुरुद्वारे, एक बार इनको दोबारा रिवाइज करते हैं दोस्तों। गमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे रहेगा दोस्तों, गमतान साहिब गुरुद्वारा रहेगा दोस्तों हमारा जींद में। उसके बाद आगे आता है दोस्तों छठी पातशाही गुरुद्वारा, ये हमारा कुरुक्षेत्र जिले के अंदर रहेगा। उसके बाद आता है दोस्तों नवी पातशाही गुरुद्वारा, नवी पातशाही गुरुद्वारा हमारा कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। उसके बाद आगे आता है दोस्तों लखनौर गुरुद्वारा, लखनौर गुरुद्वारा दोस्तों अम्बाला जिले में स्थित है। उसके बाद दोस्तों लाखन माजरा गुरुद्वारा रोहतक जिले में है दोस्तों, इसका संबंध गुरु तेग बहादुर सिंह से है दोस्तों। एक बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि गुरु तेग बहादुर सिंह का संबंध किस गुरुद्वारे से है, तो ये है दोस्तों लखन माजरा गुरुद्वारा जिला रोहतक। उसके बाद दोस्तों बालूरा साहिब गुरुद्वारा ये भी रहेगा दोस्तों हमारा रोहतक जिले में। उसके बाद आता है दोस्तों गुरुद्वारा गुरु दशमेश, दशमेश गुरुद्वारा है दोस्तों हमारा नारनौल जिला महेंद्रगढ़ के अंदर। उसके बाद दोस्तों चोर मार शहीदा गुरुद्वारा, चोर मार शहीदा गुरुद्वारा रहेगा दोस्तों हमारे सिरसा जिले में। उसके बाद आता है दोस्तों नाडा साहिब गुरुद्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों नाडा साहिब गुरुद्वारा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये रहेगा हमारे पंचकुला के अंदर। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारे दोस्तों, हर बार प्रत्येक परीक्षा में इनमें से दो से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।